मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली जो मसल्स है रेस्पिरेशन की, मेन मसल्स, एक्सेसरी मसल्स, द रिब्स और इंटरपर्सनल मसल्स, ठीक है। तो जो मेन मसल्स है डायाफ्राम, इसलिए डायाफ्राम होता क्या है, सपोज ये अपर ट्रंक है, थोरैक्स और ये एब्डोमेन, थोरैक्स और ये एब्डोमेन, तो इसके बीच में जो मसल्स रखी है उस मसल्स का नाम है डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम, ठीक है। इसी को संस्कृत में कहते हैं महाप्राचीरपेशी, महाप्राचीरपेशी। क्या करती है ये आपके थोरैक्स को और एब्डोमेन को सेपरेट करती है। क्या करती है? थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करती है। इसके बीच में सेंटर एंडो रखे हुए, जिससे फाइबर्स निकल रहे हैं और पूरी जो इसकी जो पूरी आर्क है वो कंप्लीट हो रही है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। गुब्बारा है, गुब्बारे में एक पाइप, गुब्बारे में क्या लगा हुआ है, पाइप। तो अगर गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मैं इनडायरेक्टली बढ़ा रहा हूँ, अंदर कुछ नहीं भर रहा हूँ उसके, मैं बाहर से खींच के ऐसे बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? गुब्बारा है बैलून, उसमें एक पाइप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पाइप। और मैं बैलून का सेप जो है मैकेनिकली बढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा, बाहर से एक मशीन लगी हुई, मशीन से उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, एयर अंदर ट्रैप हो जाएगी, बुझेगी नहीं। और जब मैं वो गुब्बारे को दबाऊंगा तो एयर बढ़ा, सिंपल छोटी सी बात है। इसी पे ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बेस्ड है। कैसे कि सपोज ये आपके स्टर्नम है, ये आपकी रिब्स है, ये आपका डायाफ्राम, गॉट इट। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब इंस्पिरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जो है वो एक इनएक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन जो है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन तो अपने आप हो जाएगी, सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, सांस छोड़ने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो ये डायाफ्राम है सेंट्रल एंडोन, इसमें क्या होता है कि जो 1 to 1.5 सेंटीमीटर नीचे की ओर घिस जाएगा, ये हो जाएगा नीचे की ओर घिस जाएगा। तो अभी इसका अगर शेप इतना था तो अब कितना हो जाएगा, इतना, राइट, पहले इतना था, अभी कितना हो गया, इतना हो गया। तो अंदर जो है डायाफ्राम खींचा, अंदर लंग्स रखे हुए हैं, तो प्लूरा रखा हुआ है वो भी खींचा, प्लूरा क्या है, लंग्स के ऊपर वाली मेम्ब्रेन, वो खींची, वो चिपकी हुई है लंग्स से, तो लंग्स भी खींचेंगे, और लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई भी थोड़े बड़े होंगे। मैंने भी क्या बताया था, बैलून का अगर सेप बढ़ाया जाए तो हवा जो है ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है, वॉल्यूम बढ़ाने से आ जाती है कि नहीं आ जाती है। पहला काम क्या हुआ, जो ये सेंटर टेंडन का डायाफ्राम का वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पूरा है इसका वर्टिकल डायमीटर बढ़ गया, कौन सा डायमीटर, अब हम बात करेंगे एंटीरियर फोर्स के डायमीटर कैसे बढ़ेगा। तो एंटीरियर फोर्स के डायमीटर के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स, क्या नाम है, इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स लगी हुई है उन मसल्स का नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। इसका नाम, रिब्स के बीच में जो मसल्स लगी हुई है उसका नाम क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स। वो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसमें दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं रिब्स में, एक बकेट हैंडल और दूसरा पंप हैंडल। बकेट हैंडल मतलब जब हम बाल्टी उठाते हैं ना, इसके लिए बाल्टी में वो लगा ना क्या हैंडल, तो जब उसको बाल्टी का हैंडल, हैंडल नीचे पड़ा होता है और जब हम उठाते हैं ऐसे करके तो वो उठ का आता है, आता है कि नहीं। और दूसरा है पंप हैंडल मूवमेंट, जो नल लगा होता है, नल का जो डंडा है वैसे चलता है ना, तो ऐसे बकेट हैंडल मूवमेंट और पंप हैंडल मूवमेंट दो तरह के मूवमेंट है। जब नॉर्मली जो रिब्स हैं, रिब्स के जो नीचे वाली रिब्स हैं, सिक्स रिब्स डाउनवर्ड, उसमें बकेट हैंडल मूवमेंट, मतलब पहले डंडा नीचे था, अब क्या होगा, जो ये रिब्स हैं वो पहले इस शेप की थी, अब यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, पहले हैंडल, हैंडल नीचे पड़ा हुआ था, अब हैंडल ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, बाल्टी का जो हैंडल था वो नीचे पड़ा हुआ था, अभी हैंडल कैसे हो जाएगा ऐसे। तो जब ऐसे होगा तो इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है इधर वाला बढ़ेगा कि कम होगा, कुछ बढ़ेगा। तो अभी तो इसको वर्टिकल डायमीटर बढ़ रहा है डायाफ्राम की वजह से, और बकेट हैंडल की वजह से
इसका बढ़ जाए, डायमीटर बढ़ा है, बढ़ा कि नहीं? तो अभी भी इसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो हवा है वो अंदर नहीं, सिंपल बढ़े नहीं। तो जो रिप्स होती हैं, रिप्स के अंदर दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक पंप हैंडल और दूसरा लोकेट हैंडल। पंप हैंडल मतलब जैसे पंप चढ़ा रहे हैं नल का, तो जो सेकंड टू सिक्स रिप है वो पंप हैंडल मूवमेंट होगी, नीचे वाले में बकेट हैंडल। मतलब अभी रिप्स ऐसे और अभी इसका डायमीटर ऐसे होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और रिप्स का हवा जो है अंदर ट्रैप हो जाएगी। दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस। अब कोई पूछे फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अभी जो नॉर्मल चीज़ थी इसके लिए एनर्जी चाहिए, टेंडन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिप्स का मूवमेंट हुआ, ये सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और फिर एक्सप्रेशन कैसे होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो गया, जो बकेट हैंडल मूवमेंट ऊपर हुआ था, हमें उठाने के लिए तो खींचना पड़ता है हैंडल को, छोड़ने के लिए खींचना पड़ता है नहीं, छोड़ो अपने आप गिर जाएगा। फिर जो ऐसे बकेट हैंडल मूवमेंट हो रहा था वो हैंडल मूवमेंट भी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा, जब नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा तो जो एक्स्ट्रा हवा थी वो बाहर फेंक दी जाएगी, बिल्कुल नॉट होगा कि नहीं, और जो हवा है वो बाहर फेंक दी जाएगी। दिस इज क्वाइट इंस्पिरेशन एंड क्वाइट एक्सपायरेशन। क्या नाम है इसका, क्वाइट इंस्पिरेशन एंड क्वाइट एक्सपायरेशन। अब हम जबरदस्ती एक्सपायरेशन कर रहे हैं, कपालभाति क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो झोल लगाना पड़ रहा है ना, तो नॉर्मली अपने आप नहीं हो रहा, क्या करना पड़ रहा है, झोल लगाना पड़ रहा है। तो जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जो क्वाइट एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है, समझ आई? जो आपके थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, इसका जो वो है सेंट्रल डोम वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, इसका जो डायाफ्राम वर्टिकल डायमीटर है वो बढ़ जाता है, पावर ट्रैप होती है और अंदर चली जाती है। इन द सेम वे जो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से ट्रांसफर डायमीटर बढ़ेगा, तो नीचे वाली रिब्स हैं उनमें बकेट हैंडल मूवमेंट होगा, तो ऊपर वाली रिब्स हैं उनमें पंप हैंडल मूवमेंट होगा और इसका जो वर्टिकल ट्रांसफर डायमीटर बढ़ जाएगा, और जो अंदर वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, हवा बाहर वाले प्रेशर से अंदर की ओर इसके चली जाएगी। जब चीज़ें वापस अपनी पोजिशन में आएंगी तो क्या होगा, जो अंदर हवा आई थी वो बाहर चली जाएगी। दिस इज वॉट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में बुक में डायग्राम बने हुए हैं, जो एग्जाम में ना पूछें तब भी डायग्राम बना के आने, बराबर पूछें ना पूछें डायग्राम जरूर बनाना है। जब आएगा आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि आयुर्वेद में आचार्य सानंदन ने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है कि श्लोक इसका मीनिंग देन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि शुद्ध हवा का मतलब क्या है, शुद्ध हवा का मतलब 100% ऑक्सीजन नहीं है, क्या है 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन। जीवम च जठरानलम शब्द का मतलब क्या है, का मतलब है कि जो सेल लेवल पे होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनसे एनर्जी लिबरेट होती है, वो एरोबिक रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे मॉडर्न डिस्क्रिप्शन, मॉडर्न में क्या लिखेंगे कि जो रेस्पिरेशन की मेन मसल्स हैं, एक्सेसरी मसल्स हैं, मेन मसल्स में डायफ्राम आ गया, इंटरकोस्टल मसल्स, स्टेनोग्लियोडोमास्टाइड, प्लैटिस्मा, ये सब एक्सेसरी मसल्स हैं, और इन सब की वजह से क्या होता है, दो तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। डायफ्राम है क्या, का मूवमेंट अपवर्ड से डाउनवर्ड कैसे होता है, वर्टिकल डायमीटर बढ़ता है, अंदर का जो है वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्लूरा भी बाहर की ओर खींचे, प्लूरा जो है लंग्स पे लगे हुए लंग्स भी बाहर की ओर खींचे, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, हवा ट्रेकिया से अंदर घुस गई, जब वापस पोजिशन आया नॉर्मल बैक पोजिशन पे हवा बाहर निकल गई। दिस इज वर्टिकल डायमीटर। हॉरिजॉन्टल के लिए रिब्स के अंदर मूवमेंट है कौन सा, बकेट हैंडल और पंप हैंडल। बकेट हैंडल मतलब बाल्टी का हैंडल उठा रहे हैं, पहले रिप्स ऐसे थी, अब रिप्स ऐसे हो गई, चौड़ी हो गई ना, स्पेस बढ़ गया ना, पहले रिप्स ऐसे थी स्पेस कम था, अब रिप्स ऐसे हो गई स्पेस बढ़ गया ना, तो बकेट हैंडल मूवमेंट और पंप हैंडल मूवमेंट इसकी वजह से डायमीटर बढ़ जाता है और हवा अंदर चली जाती है, और फिर जब वापस पोजिशन में आती है तो हवा बाहर चली जाती है। दिस इज वॉट नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, क्वाइट एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो है कोई ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है वो कॉपी में लिख के लेके आना, अपने आप बिना देखे पहले पढ़ लेना बुक से, आरबी बुक से, वीडियो से, सबसे बिना
बिना देखे आंसर लिखना। समझ आया?